जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में सियालकोट कन्वेंशन जारी है और आज उसका आखिरी दिन है। सियालकोट कन्वेंशन का इस साल का मौजू या मजमून खुदावंद में शादमानी, जॉय इन द लॉर्ड, ये उसका मजमून है। और इन दिनों में वहाँ पर बेशुमार पैगामात इसी मौजू पर सुनाए जा रहे हैं। बतौर जिम्मेदार मेंबर होने के, चूंकि ये मेरी जिम्मेदारी है सियालकोट कन्वेंशन पे वाइजीन का इंतखाब करना, मीटिंग चलाने वालों का इंतखाब करना, और फिर ये जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों में तकसीम करना। हमारी कमेटी है जिसको हम सब्जेक्ट कमेटी कहते हैं, उसके साथ मिलकर ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि मैं हर वक्त तैयार रहूं। अगर कोई लीड करने वाला नहीं आया तो उसकी जगह पे किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करना या ख़ुद वो काम करना। अगर वाइस पैगाम देने वाला किसी वजह से नहीं पहुंच पाया तो उसकी जगह पर तैयार रहना। अगर कोई मुतरजम तर्जमा करने वाला नहीं पहुंचा तो उसकी जगह पर भी तैयार रहना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने खुदावंद में शादमानी की निस्बत से बाइबल के मुख्तलिफ जो मतून हैं उनको अपने ज़ेर नज़र रखा इन दिनों में, ताकि मैं किसी भी खाली जगह को पुर कर सकूं। आज जो हमारे हवाला हमारे सामने तिलावत किया गया है, इसको भी मैं खुदावंद में शादमानी की नस्बत से आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन ये पैगाम कोई कन्वेंशन वाला पैगाम नहीं होगा। मैं आज आपके सामने इख्तसार के साथ चंद एक बातें इस मतन में से पेश करूंगा। जिन लोगों ने मुझे कन्वेंशन पर, आप में से बहुतों ने मुझे कन्वेंशन पर इस मौजू पे पैगाम देते हुए सुना है, लेकिन आज ये उससे बिल्कुल फ़र्क होगा। हम एक मुश्किल दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये मुश्किलात जब से ये दुनिया पैदा हुई और जब गुनाह इस दुनिया में आया उस वक़्त से इंसानों के साथ साथ मौजूद हैं। इंसान कभी भी इन मुश्किलात से आज़ाद नहीं हुआ। हम किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी मसले से दो चार रहते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो ईमानदार हैं। बहुत दफ़ा हम ये सोचते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के बोझ तले कराहते हैं, ऐसे बोझ जो ना चाहते हुए भी उनको उठाने पड़ते हैं। वो बोझ उठाते रहते हैं। खुदावंद के पाकलाम में मुकदस पालुस रोमियों के नाम खत उसके 8वें बाब और उसकी 28वीं आयत में कहता है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। बहुत दफ़ा हम इन अल्फाज को भी भूल जाते हैं। दुख उठाते उठाते हम तंग आ जाते हैं, लेकिन
अगर आपने गौर से इन आयात को सुना जो हमारे सामने तिलावत की गई, यहां पे खुदावंद यसु मसीह के अल्फाज पर गौर कीजिए। हमारी खुशी का ताल्लुक हमारे हालात से हरगिज नहीं है। हमारे हालात हर वक्त हर लम्हे बदलते रहते हैं, इसलिए हमारी खुशी का ताल्लुक हमारे हालात के साथ नहीं है। अंग्रेजी जुबान का लफ्ज हैप्पी, इसकी जड़ें अंग्रेजी के एक और लफ्ज हैपन पर हैं। हैपन किसी चीज का वकू पजीर होना। जब हमारी जिंदगी में कोई चीज वकू पजीर होती है तो हम हैप्पी होते हैं। व्हेन समथिंग हैपेंड गुड इन अवर लाइफ, प्लेजेंट इन अवर लाइफ, वी फील हैप्पीनेस, हम खुशी महसूस करते हैं। लेकिन यहां पर जो लफ्ज लिखा गया बाइबल में, जहां कहीं खुशी और शादमानी का जिक्र किया गया है, वहां पर लफ्ज हैप्पी की बजाय जॉय लिखा गया है। इसलिए जब पिछले बरस हमने कन्वेंशन का मौजू रखा तो हमने उसका मजमून यही रखा था, जॉय इन द लॉर्ड। ये जॉय लफ्ज है, ये हैप्पीनेस नहीं है। इसका ताल्लुक हमारी जाहिरी और बैरूनी हालात पर नहीं है कि जरूर कुछ खुशगवार वाकया होगा तब हम खुश होंगे, नहीं, बल्कि ये दायमी खुशी है जिसका ताल्लुक खुदा की साथ जात के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं इन आयात को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो आज पढ़ी गई। इनका पस मंज़र यूँ है कि खुदा ने 70 लोगों को भेजा 10वें बाब में, और ये पहला मौका है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को मुनादी करने के लिए भेजा, उनकी तरबियत की, और जो लोग उस पर ईमान लाए उनको भेजा ताकि वो जाकर मुनादी करें, इंजील की खुशखबरी सुनाएं और उसको सच्चा साबित करने के लिए खुदा ने उनको मोजज़ात की कुव्वत भी बख्शी। और जब वो गए वापस आए तो वापस आकर 70वीं आयत में वो रिपोर्ट पेश करते हैं खुदावंद यीशु मसीह को। यहाँ पर लिखा है वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे कि ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान पर से गिरा हुआ देख रहा हूं था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। ये वो इख्तियार था जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, मोजज़ात का इख्तियार, दुश्मन पर गालिब आने का इख्तियार, बदरूहों और शयातीन पर इख्तियार। और ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने इन 70 लोगों को बख्शा था। सो जब ये एक कामयाब मिशन ट्रिप से वापस आए और आकर इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ये बातें बताई कि ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, तो वो गोया अपने बड़ी एक्साइटमेंट का, बड़े जोश का इजहार कर रहे हैं। यह बात उनकी तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ थी कि वो जाएं मुनादी करें और बदरूहें शयातीन उनके ताबे हो जाएं। लेकिन अब उन्होंने इसका तजुर्बा किया कि बदरूहें शयातीन उनके ताबे हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी कि वो बदरूहों को हुक्म दे रहे हैं कि यीशु के नाम से निकल जाओ, और बदरूहें निकल जाती हैं। एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी।
बहुत बड़ी बात थी उन 70 लोगों के लिए। सो वो जब यीशु से मिले तो वो अपने इसी जोश एक्साइटमेंट अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं कि जनाब हमने बदरुए आपके नाम में खुदावन तेरे नाम से बदरुए हमारे ताबे हैं, वो हमारा हुक्म मानने पर मजबूर हैं। यीशु ने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। और फिर उस इख्तियार की बात की जो उसने उनको दिया था। लेकिन यीशु ने फिर एक और बात भी कही जो आज के दरस का बुनियादी हिस्सा है, और वो आयत है 20वीं आयत, जहां पर यह लिखा है, तो भी इससे खुश ना हो, इस बात से खुश ना हो कि मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा, और इस बात से भी खुश ना हो कि बदरुए तुम्हारे ताबे हैं। बल्कि खुशी की वजह यीशु ने यहां पर कुछ और बताई। यहां पर लिखा है, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आज जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये बातें खालिस्तन मसीही ईमानदारों के लिए हैं। जब हम कन्वेंशन पे प्रीच करते हैं तो उसमें इवेंजलिस्टिक पहलू होता है, मुबशराना पहलू उसमें होता है, बशारती पहलू उसमें नमाया होता है। लेकिन आज ये बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये खालिस्तन एक ईमानदार माहौल में, जहां पर वो ईमानदार जो किसी कलीसिया के शुरका हैं उनके लिए है। और आज सुबह मैं आपसे भी कहूंगा कि आप दुनिया की किसी बात पर खुश होने की बजाय जो कुछ दुनिया में वकूफ पसीर होता है हमारी जिंदगी में, अपनी खुशी के लिए सिर्फ उन पर इन्हेसार ना कीजिए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हमारे लिए खुशी की और शादमानी की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नाम आसमान पर किताबे हयात में लिखे गए हैं। हमारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। That we are saved, हम निजात याफ्ता लोग हैं। इस बात से खुश हो, इस बात से खुश ना हो कि हमारे पास दौलत कितनी है, हमारे पास कितना कितनी जस्मानी बरकात है, हमारे पास किस कदर इख्तियार है, हमारे खुदा ने हमें कौन सी बरकतें दे रखी हैं। इनकी बजाय सबसे बड़ी खुशी की बात जो किसी ईमानदार के लिए हो सकती है वो ये है कि मेरा नाम, हमारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं, हम निजात याफ्ता लोग हैं, हम निजात के वारिस हैं, हम मसीह पर ईमान लाए हैं और खुदा ने हमें निजात बख्शी है। ये है हमारी खुशी का असल सबब। यहां पर निजात से मुराद सिर्फ जहन्नम से आजादी नहीं है, बल्कि यह खुदा के साथ, मसीह के साथ एक नया रिश्ता है। निजात याफ्ता सिर्फ वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक नए रिश्ते में बन जाते हैं। और वो नया रिश्ता क्या है कि वो हमारा निजात दहिंदा है। हम उसकी कुर्बानी और उसके मुर्दों में से जी उठने की बदौलत एक नए रिश्ते में बनते हैं। जो ही हम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, हमारा एक नया रिश्ता बन जाता है मसीह के साथ, और खुदा के साथ हमारा एक नया रिश्ता बन जाता है। मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले खत उसके 3 बाब और उसकी पहली 2 आयत में इस नए रिश्ते का
बयान करता है। वो कहता है कि जूं ही हम मसीह को कबूल करते हैं हम उसके फर्जंद बनते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। और दूसरी आयत में ये लिखा है, अजीजो हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के इस वक्त हम खुदा के फर्जंद हैं। आपने यीशु को कबूल किया है, खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी का निजात दहिंदा है, इसलिए आप खुदा के आसमानी खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आप इस नए रिश्ते में दाखिल होते हैं और यह नया रिश्ता हमारी खुशी की बुनियाद है। बतौर ईमानदार, दुनिया की कोई चीज हमारी खुशी की बुनियाद नहीं, हमारी खुशी की बुनियाद ये नया रिश्ता है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमें हासिल हुआ है। इस बात से खुश हो कि आज तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं, तुम एक नए रिश्ते में बंध गए हो खुदा के साथ। ये है हमारी खुशी की असल वजह। गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खत चौथे बाब चौथी पांचवी और छठी आयत में, करिन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरा खत छठा बाब सत्रहवीं और अठारहवीं आयत में बयान करता है कि ये जो नया रिश्ता है बाप और बेटे का ताल्लुक, कि जो ही हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं हम आसमानी खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, ये ताल्लुक इसको ले पालिक कहा गया है, अडॉप्शन होए थीसिया यूनानी जुबान में। अडॉप्शन इसका मतलब है किसी को अपने बेटे के तौर बेटी बेटे या बेटी के तौर पर जगह देना। ले पालिक अडॉप्टेड, किसी को अपने बेटे या बेटी की जगह देना, ये यूनानी जुबान के इस लफ्ज का मतलब है। खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में ख़ानदानी निस्बत से, जिस तरह से आज हमारे मुल्क में फैमिली लॉज हैं और फैमिली कोर्ट हैं, अदालतें भी फ़र्क हैं खानदानी मामलात को सुलझाने के लिए, और फैमिली लॉज हैं जिसमें अडॉप्शन, अज़दवाज, डिवोर्स, शादी, इनहेरिटेंस यानी वरासत, ये सारे कवानीन मिलकर फैमिली लॉ का हिस्सा बनते हैं। जिस ज़माने में खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मौजूद थे और उन्होंने ये पैगाम दिया कि जूं ही हम उसको कबूल करेंगे, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाएंगे, आसमानी खुदा हमें ले पालिक बना लेगा, वो हमें अपने खानदान में इस नए रिश्ते में शरीक करेगा। जब हम ये तारीख के जिस हिस्से में हम ये बयान पढ़ते हैं, उस जमाने में रोमी पूरी दुनिया पर, उस वक्त की मालूम दुनिया की कसीर आबादी पर रोमियों की हकूमत थी, और रोमियों का अपना एक फैमिली लॉ या खानदानी कवानीन थे, उनको वो पैट्रिया पोतेस्तास कहते थे। ये खानदानी कवानीन थे या फैमिली लॉ था उस जमाने में रोमी हकूमत का। रोमी हकूमत का ये कानून बड़ा दिलचस्प है। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि रोमी फैमिली लॉ के मुताबिक जब कोई शख्स किसी के घर में पैदा होता था तो बाप को उस पर मुकम्मल हक हासिल हो जाता था, और ऐसा ही ले पालिक या एडॉप्टेड चिल्ड्रंस के साथ भी होता था।
जब वो किसी खानदान में शरीक होते थे तो वो परमानेंटली होते थे। पहली बात जो मैं आपको इस कानून की निस्बत से बताना चाहता हूं, जो पैत्रिया पोतेस्तास है, जो फैमिली लॉ है रोमियो का उस जमाने में, उसकी निस्बत से जब वो किसी बच्चे को कोई शख्स एडॉप्ट करता था अपने खानदान में, तो दैट वाज फॉरएवर। उसका ये मतलब नहीं था कि हमने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया और 2-3 सालों के बाद उसको छोड़ दिया, ऐसा हरगिज नहीं था। उस जमाने में ये कानून था कि जब आप किसी को अपना बेटा या बेटी एडॉप्ट करते हैं किसी को, तो वो हमेशा हमेशा के लिए होता था, वो कभी, ये रिश्ता कभी कम नहीं होता था। इसलिए रोमी हुकूमत के दौरानिए में ले पालिक लफ्ज, जब यूनानी जुबान में इंजील मुकद्दस या ने एहतामे का हिस्सा बना, तो इसने एक खूबसूरत तस्वीर दी, और वो तस्वीर ये है कि जब खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है तो फिर हमें कभी भी छोड़ नहीं देता, बल्कि ये रिश्ता हमेशा तक कायम रहता है, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। जब खुदावन हमें अपने ले पालक बेटे और बेटियां बनाता है, जब हम मसीह को कबूल करते हैं, जब हम उसके खानदान का हिस्सा बनते हैं, तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटता। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, इस बात से खुश हो, इस बात से नहीं कि बदरू हैं तुम्हारे ताबे हैं, नहीं, इससे बड़ी बात यह है कि भाई तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। इस दुनिया की बरकत हमें आरजी तौर पर खुश करती है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए, अगर आपने यीशु को कबूल किया है, अगर आप मसीह खुदावंत पर ईमान लाए हैं, और अगर आपका ईमान ये है कि खुदा ने आपको अपने खानदान में शरीक किया है, तो इसका मतलब यह है कि रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, यह हमेशा कायम रहेगा, इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी। सो हाउ वंडरफुल इज दिस, कि यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, इससे खुश हो। खुदावन यीशु मसीह ने यह कहा कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, यह हमेशा कायम रहेगा। रोमी कानून पैत्रिया पोतेस्तास, जो रोमी कानून है, फैमिली लॉ है उस जमाने में, उसके मुताबिक जो जिस बच्चे को एडॉप्ट किया जाता था, उसको उस खानदान जिसमें उसको अडॉप्ट किया जाता था, उसमें सारे हक कानूनी तौर पर हासिल हो जाते थे, कोई माने या ना माने, लेकिन वो बच्चा जो अडॉप्ट किया जाता था रोमी कानून के मुताबिक, वो कानूनी तौर पर उनका बेटा होता था या बेटी होती थी, और कानून उसको तहफ्फुज़ फराहम करता था कि वो अब उस खानदान में मौजूद हर तरह से बेटा या बेटी होने का कानूनी तौर पर हक रखता है। जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना अपने इंजीली बयान और उसके 3 बाब में ये बयान करता है, 1 बाब में भी, कि हम उस पर ईमान अगर लाएं तो हम उसके बेटे और बेटियां बनते हैं, वहाँ पर वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसका मतलब भी यही है कि हम कानूनी तौर पर उसके बेटे और बेटियां, ताकि जो कि उस पर ईमान लाए ले वो उसको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शता है, और वहाँ पर फर्जंद बनने का हक के लिए लफ्ज़, ये एक लीगल टर्म है।
जिसका मतलब यह है कि कानूनी तौर पर हम उस वो तमाम हक रखते हैं जो उस खानदान में मौजूद दीगर बेटे और बेटियों को हासिल होते हैं। उसका मर्तबा किसी भी तरह से कम नहीं होता। कई मैंने देखा है कई मर्तबा कई खानदानों में लय पालक बच्चे भी होते हैं और फिर खुदा उनको अपने बच्चे भी दे देता है। कानूनी तौर पर उन दोनों में कोई फर्क नहीं था रोमी फैमिली लॉ के मुताबिक। एक ही हैसियत थी लय पालक बच्चों की भी और जो बच्चे किसी शोहर और बीवी के वसीला से पैदा होते थे उनको भी एक ही तरह के हक होते थे। सो ये कानूनी टर्म है, एक कानूनी इस्तलाह है जो खुदावन ने और उसके शागिर्दों ने नए अहदनामे में इस्तेमाल की। हम कानूनी तौर पर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हमें कानूनी तौर पर सारे हक हासिल हो जाते हैं। लेकिन एक तीसरा इसका पहलू भी देखिए, इस कानून का, रोमी कानून का, पैत्रिया पोतेस्तास, इसका एक तीसरा पहलू भी है एडॉप्शन की निस्बत से। और वो ये है कि जब किसी बच्चे को एडॉप्ट किया जाता था तो उसको नए खानदान जिसमें वो उसको एडॉप्ट किया जाता था उसमें उसको सारे हक हासिल हो जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ उस खानदान से जिससे उसको लिया जाता था वहां पर उसके तमाम हकूक और फराइज वो कैंसिल कर दिए जाते थे। अगर किसी बच्चे को किसी खानदान से लिया जाता और उस खानदान ने किसी का कर्ज देना होता या कोई लाइबिलिटी होती उनकी किसी और तरह से तो वो बच्चा उससे आजाद कर दिया जाता था, उसका ताल्लुक पुराने खानदान से मुकम्मल तौर पर 100% खत्म कर दिया जाता था और उसके कानूनी हक और फराइज और हकूक अब नए खानदान के साथ जुड़ जाते थे। गोया जब हम यीशु को कबूल करते हैं और खुदा हमें अपने खानदान में शरीक करता है तो वो सारे गुनाह, वो सारे कर्ज जो गुनाह की वजह से, अब्लीस की वजह से हम पर मौजूद होते हैं, वो सजा जो गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है, हम उससे आजाद हो जाते हैं। इसीलिए मुकद्दस पालूस ये कहता है अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है क्योंकि हम उस सजा से आजाद हो चुके हैं और अब हम एक नए खानदान में शरीक हो गए हैं। इसलिए अडॉप्शन का ये तसव्वुर, इसको रोमी कानून की नज़र में, जो उस जमाने में कानून था अडॉप्शन का, उसकी रोशनी में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने तीन बातें आपको इस निस्बत से बताई हैं। पहली बात कि ये रिश्ता, अडॉप्शन का रिश्ता परमानेंटली होता था, आरजी नहीं होता था। दूसरी बात कि जब किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता था तो उसको तमाम हकूक कानूनी तौर पर हासिल हो जाते थे। और तीसरी बात मैंने ये कही है कि वो तमाम सजाएं या बोझ जो पुराने ख़ानदान की वजह से उस पर होते थे, जो ऑब्लिगेशन, जो डेट्स, कर्ज, सब कुछ वो ख़त्म कर दिए जाते थे और उसको उससे आज़ाद कर दिया जाता था। सो खुदावंद यीशु मसीह ने गोया जब हम उस पर ईमान लाते हैं और खुदा हमें अपने लय पालक बेटे और बेटियां बनाता है तो पहली बात जो आपके सीखने के लिए है वो ये है कि हम इस रिश्ते में परमानेंटली दाखिल होते हैं हमेशा के लिए। दूसरी बात ये कि हमें इसका कानूनी हक हासिल होता है और तीसरी बात ये कि हम पर पुराने जो बोझ होते हैं जिनको पालूस रसूल इफिसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए कहता है कि हम गुनाह के एतबार से खुदा से दूर और मुर्दा थे, वो सब कुछ ख़त्म करके खुदावंद के ख़ानदान में नए
रिश्ते की बदौलत हमें सब कुछ अता करता है। सो ये खूबसूरत ताल्लुक है जिसमें खुदा ने हमें बांधा है। इसीलिए मसीह यीशु कहते हैं कि इस बात से खुश ना हो कि बदरूह हैं तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। और आज सुबह मैं आपको भी कहूँगा कि आप इस बात से खुश हों कि आपके नाम आसमान पर लिखे गए हैं। इसी निस्बत से मैं ये भी कहूँगा कि खुदा ने, जब हम उसको कबूल करते हैं, हमें वो तब्दील कर देता है। जो ही आप मसीह को कबूल करते हैं, क्रंथस के नाम खत उसका 5:17 ये कहती है कि हम नए मखलूक बन जाते हैं। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। जो ही हम यीशु को कबूल करते हैं, यीशु हमें नया बना देता है, वो हमें नए तौर से फॉर्म करता है, एक नया रूह हमें बख्शता है। इसलिए इस बात से खुश हों कि हम हमेशा के लिए तब्दील कर दिए गए हैं, और फिर ये भी कि हम अजर के वारिस होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, और फिर ये भी कि उसने हमें रिहाई बख्शी है। मैं इन बातों की तफसीलात बयान करने की बजाय इख्तसार के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी जो बड़ी बात मैं आपके सामने आज बयान करना चाहता हूँ, पहली बात मैंने कही कि आसमान पर नाम लिखे जाने का मतलब ये है कि हमें निजात मिली है, और निजात के वसीले से हम नए रिश्ते में दाखिल हुए हैं। और अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि खुदा ने हमें मुकम्मल तौर पर इस बात की ज़मानत दी है कि हम खुदावंद के बेटे और बेटियाँ हैं और उसकी बादशाहत में शरीक होंगे। यहाँ पर लिखा है, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। ये लिखना, लिखे हुए, ये वर्ब है, और ये वर्ब की ग्रामर के इतबार से परफेक्ट पैसिव इंडक्टिव इंडक्टिव है, और ये वो फॉर्म है जिसका मतलब ये है कि यकीनन लिखे हुए हैं, इस पे शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब यहाँ पर यह लिखा है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर इसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे नाम, हम सोच सकते हैं पता नहीं लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। जब आप यीशु को कबूल करते हैं तो इसका मतलब है कि इस बात की मुकम्मल जमानत है, ये बात 100% सच्चाई पर मबनी है कि आपके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। ये इस पर शक करने की हमें कोई, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमारे नाम वाकई ही आसमान पर लिखे हुए हैं, और इन नामों को जब हम, यहाँ पर यह लिखा है लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनको मिटाया नहीं जा सकता, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं इस दुनिया में अगर कोई मिस्टेक हो जाए लिखने में, तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिनके वसीला से हम मिटा के नया लफ्ज़ लिख देते हैं, लेकिन किताबे हयात में लिखे हुए नामों को मिटाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। खुदावंद की किताबे हयात, जिसको ज़िंदगी की किताब कहते हैं, जिसमें मेरे और आपके नाम लिखे हैं बतौर ईमानदार, बतौर ले पालक बेटे और बेटियां, हमारे नाम उस किताब में लिखे हैं, उस किताब में हमारे नामों को मिटाने के लिए कोई चीज़ कारगर नहीं है, बल्कि वो नाम हमेशा हमेशा के लिए उसमें मौजूद है। सो इस बात से खुशी मनाइए, इस बात से शादमान हों कि आपके नाम
हमेशा हमेशा के लिए किताब हयात में लिखे गए हैं और आप उसके वारिस होंगे। किताब हयात पर लिखे हुए नामों का मतलब ये है कि जिनके नाम किताब हयात में लिखे हैं वो खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। मुकाशवा की किताब 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत को देखिए, यहाँ पर लिखा है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिसका नाम इस किताब में नहीं होगा वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। लेकिन आप इसके साथ ही मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत को देखिए, और यहाँ पर यूं लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम घड़ता करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रे की किताब हयात में लिखे हुए हैं। जिनके नाम एक दफ़ा लिख दिए गए वो वहाँ पर लिखे रहेंगे और वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे, जहाँ पर हमें शहरियत हासिल होती है। जब हमारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं तो इसका मतलब यह है, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, हम खुदा की बादशाहत के शहरी हैं, वारिस हैं उसके। और ये वो जगह है खुदा की बादशाही जहाँ पर ना आंसू हैं, ना मौत है, ना गम है, ना दर्द है, ना गुनाह है, ना गुनहगार हैं, ना हैकल है, ना सूरज है, ना रात है, ना लानत है, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन वहाँ पर होगा क्या? वहाँ पर कीमती पत्थरों से बनी हुई सड़कें और इमारतें होंगी, वहाँ पर मोतियों के दरवाजे होंगे, वहाँ पर सोने की सड़कें होंगी, और वहाँ पर वो लोग जिनके नाम किताब हयात में लिखे हैं वो होंगे, और वहाँ पर खुदा का जलाल होगा और खुदा वहाँ पर होगा। और यूहन्ना के इंजील बयान 14वां बाब की 13वीं आयत के मुताबिक, पहली 3 आयत के मुताबिक, वो हमारा घर होगा, परमानेंटली हमारा घर होगा। यहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं हम घर बनाने के लिए, लेकिन आसमान पर खुदा खुद हमें घर अता करेगा। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। वो घर मुझे और आपको मिलेंगे जिनके नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। इसलिए मेरी दानिश में खुदावंद यीशु मसीह के ये लफ्ज़ जो उसने अपने उन 70 पैरोकारों से, शागिर्दों से कहे, तो भी इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। आइए हम खुशी मनाएं इस बात में कि हमारे नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं और हम निजात याफ्ता और खुदा के ख़ानदान के फ़र्द हैं। इस बात से खुशी मनाइए। दुनिया की चीज़ों की खुशी नापायदार आरजी है, लेकिन ये दायमी खुशी है जो खुदा हमें बख्शता है। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएं और इस खुशी के लिए, इस हकीकी शादमानी के लिए जो खुदा ने हमें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से अता की है, इसके लिए उसका शुक्र अदा करें।